Hello everyone and welcome back. So today is day 14 या class 14 of our professional makeup class. And आज के video में we are going to do a practical session on highlight and contour. Last जो मेरा video था day 13 वाला, उसमें मैंने बहुत ही detail में discussion किया था about highlight and contour. मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिससे आपके लिए समझना बहुत ईजी हो गया था, हाईलाइट एंड कॉन्टोर को कैसे समझते हैं. सो अगर आपने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा हो है तो पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, देन आप ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें. तो उस वीडियो में हमने थ्योरी की थी एंड इस वीडियो में हम करेंगे एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल सेशन. बहुत सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ अबाउट हाईलाइट एंड कॉन्टोर. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम हाईलाइट एंड कॉन्टोर किन किन प्लेसेस पे करते हैं फेस में, जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, बट स्टिल मैं इस वीडियो में आज आपको फिर से बताऊंगी. उसके अलावा आई विल टेल यू कि आपको कौन से शेड्स चूज़ करने हैं हाईलाइट एंड कॉन्टोर के लिए, लाइक परफेक्ट कलर आप कैसे चूज़ करो अपना हाईलाइट एंड अपना कॉन्टोरिंग करने के लिए या अपने क्लाइंट का हाईलाइट एंड कॉन्टोर करने के लिए. उसके बाद आई विल टेल यू कि हाईलाइट एंड कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे प्लेस करते हैं, ब्रशेस कौन से यूज़ करने हैं, ब्लेंडिंग कैसे करनी है, सेट कैसे करना है, ठीक है. उसके बारे में बात करेंगे कि हाईलाइट एंड कॉन्टोर करते कैसे हैं. उसके अलावा आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट्स के जो फॉर्मुलेशंस आते हैं, जैसे कि आपको पाउडर प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं हाईलाइटिंग कॉन्टोरिंग के लिए, आपको क्रीम प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं, आपको लिक्विड चूज़ करने हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स का क्या अलग अलग इफेक्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. टेल यू द बेस्ट ब्रांड्स जिनके हाईलाइट एंड कॉन्टोर के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं. हम ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड वीडियो के एंड में आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप कौन से ऐसे कॉमन शेड्स हैं जो आप खरीद सकते हो, जो आप सभी स्किन कलर्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अगर आप कन्फ्यूज्ड हो, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सा कलर लो अपनी हाईलाइटिंग करने के लिए, आप कौन सा कलर लो अपनी कॉन्टोरिंग करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ कॉमन शेड्स शेयर करूँगी जो आप किसी भी स्किन कलर पे यूज़ कर सकते हो. सो मेक श्योर करिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए, पूरा देखिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट, मेक अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, बट अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो. एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे आपको क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, नोटिफिकेशन ऑन करनी है एंड जैसे ही मैं प्रोफेशनल क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी एंड आप आराम से मेरी वीडियो देख सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग. अगर आपको ये वाला आई मेकअप सीखना है तो इसके लिए मैंने नाइट पार्टी आई मेकअप का वीडियो अपलोड किया है या फिर उस वीडियो के बाद आएगा, सो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ हाईलाइट एंड कॉन्टोर. ओके गाइस, सो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि हाईलाइट एंड कॉन्टोर कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल से बताया था अबाउट फेस शेप्स, कि आपको कैसे चूज़ करना है, कैसे करना है, कैसे समझना है कि हाईलाइट एंड कॉन्टोर कहाँ कहाँ करते हैं. बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन प्लेसेस जहाँ पे हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग होती है, ठीक है. जो हाईलाइट की मैं बात कर रही हूँ वो मैं बेस से जो हाईलाइटिंग करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है. तो जो कॉमन प्लेसेस होते हैं जहाँ पे यूजुअली हम हाईलाइट एंड कॉन्टोर करते हैं फेस में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फोरहेड, ठीक है. जो सेंटर ऑफ द फोरहेड होता है वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, अंडर आइज जो होती हैं वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज जो होता है वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ठीक है. ब्राउज होती हैं, ब्राउज के नीचे ब्राउ बोन होता है वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, क्यूपिड्स बो लिप के ऊपर का जो एरिया होता है वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, चिन पे हाईलाइट करते हैं, ठीक है. और हमारे जो ये वाली एरिया होती है जहाँ कॉन्टोरिंग के नीचे वाली जो एरिया होती है और कॉन्टोरिंग के नीचे और जॉलाइन के बीच की जो एरिया होती है यहाँ पे भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारे हमारे यूजुअल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम अपने फाउंडेशन से या कंसीलर से हाईलाइट करते हैं अपने फेस को. इससे हमारे फेस को डायमेंशन मिलता है और अगर आप चाहो कि आप अपना कलर फेयर करना चाहते हो, आप थोड़े से फेयर दिखना चाहते हो, थोड़े से ग्लोई दिखना चाहते हो, तो भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टोरिंग, कि कॉन्टोरिंग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है. कॉन्टोरिंग जो होती है हमारे फेस के आउटर कॉर्नर्स में होती है हमारे फेस को डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए. सो कॉन्टोरिंग हम फोरहेड पे कर सकते हैं, ठीक है. फोरहेड की जो हेयर लाइन होती है उसके साथ साथ हम कॉन्टोरिंग करते हैं. हमारे फेस में जो हॉलोज होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होता है, जो चीकबोन्स के नीचे वाला एरिया होता है वो फेस से थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, इसीलिए हम वहाँ पर कॉन्टोरिंग करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम कॉन्टोरिंग करते हैं, जॉलाइन यहाँ से मुड़ जाती है इसलिए यहाँ पर कॉन्टोरिंग करते हैं,
ठीक है, और नोज़ के साइड्स जो दबे हुए होते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रोलिंग करते हैं। तो ये हमारे कुछ यूजुअल प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम कॉन्ट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसा आपका फेस शेप है उस अकॉर्डिंग आपको हाइलाइटिंग करनी है, उस अकॉर्डिंग आपको कॉन्ट्रोलिंग करनी है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप पहले डे 13 वाली वीडियो देखिए, तब आप ये वाली वीडियो पूरी देखिए। और किस फेस के अकॉर्डिंग कैसे हाईलाइट करना है, कैसे कॉन्ट्रोल करना है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक कि करेक्ट शेप्स क्या होते हैं, एक्चुअल शेप्स क्या होते हैं जिससे कि हम हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाइलाइटिंग की बात करें तो हाईलाइट जो होता है फेस का, वो हमारे फाउंडेशन कलर से दो शेड लाइटर कंसीलर चूज़ करते हैं हम हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, जो भी आपका फाउंडेशन का शेड है, ठीक है, अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो आप लाइट या फेयर शेड का कंसीलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये मेरा फाउंडेशन शेड है जो अभी मैंने लगाया है, तो इस तो, अगर ये मेरा फाउंडेशन शेड है जो अभी मैंने लगाया है एंड ये मैंने अप्लाई किया है अपने पूरे फेस पे, तो अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए जो कंसीलर मैं यूज़ करूँगी वो इस फाउंडेशन शेड से 2 से 3 शेड लाइट या 2 से 3 शेड फेयर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा फाउंडेशन शेड है तो ये मेरा कंसीलर शेड होगा। ठीक है, इससे मैंने हाईलाइट किया है एंड ये मेरा फाउंडेशन शेड है, तो आप देख रहे हो कि ये मेरा मीडियम है और ये मेरा फेयर है। सो इसी टाइप से आपको अपना हाईलाइट शेड चूज़ करना है। ठीक है, जो भी आपका फाउंडेशन कलर है उसे 2 शेड 3 शेड फेयर जा सकते हो, और फेयर कंसीलर आपको पिक करना है अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। ओके, अगर ये फाउंडेशन है तो ये आपका हाईलाइट शेड होगा, अगर आप डार्क हो तो आप मीडियम कलर का कंसीलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली कॉन्टोर करने के लिए जो शेड हम यूज़ करते हैं वो हमारे कलर से या हमारे फाउंडेशन से 2 या 3 शेड डार्क हो सकता है। ठीक है, या उससे भी डार्क हो सकता है। ठीक है, 2 या 3 शेड डार्कर होना चाहिए हमारा कंसीलर हमारे फाउंडेशन से, ताकि हमारा कॉन्टोरिंग का इफेक्ट अच्छा दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा फाउंडेशन शेड है जो अभी मैंने लगाया है, तो ये मेरा कॉन्टोर शेड है। ठीक है, ये मेरा फाउंडेशन है एंड ये मेरा कॉन्टोर है जिससे मैंने अभी अपने फेस पे कॉन्टोरिंग की है, तो ये मेरा मीडियम है और ये मेरा डार्क है। ठीक है, तो ये मेरा फाउंडेशन शेड से मैंने कॉन्टोरिंग किया, तो कॉन्टोर जो होगा आपका वो आपके फाउंडेशन से थोड़ा सा डार्क होगा। ये मेरा फाउंडेशन कलर है, ये मेरा कॉन्टोर है एंड ये मेरा हाईलाइट है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना हाईलाइट एंड कॉन्टोर चूज़ करना है। आपके फाउंडेशन से 2 शेड लाइटर या 3 शेड लाइटर होगा आपका हाईलाइट, जो कंसीलर आप चूज़ करोगे। आपको कॉन्टोरिंग करनी होगी तो आपके फाउंडेशन से 2 से 3 शेड डार्कर होगा आपका कॉन्टोर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपने शेड्स चूज़ करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग कैसे करें। इट्स वेरी इजी गाइस, जो भी आपका शेड चूज़ करना है आप वो ले सकते हो, जो भी आपका शेड है हाईलाइट करने का या कॉन्टोर करने का वो आप पिक कर सकते हो। सो ये मेरा फेस है जो जहाँ पे मैंने सिर्फ अभी फाउंडेशन लगाया है, मैंने स्किन प्रेप किया, ऑरेंज कलर से अपना कलर करेक्शन किया एंड अपने पूरे फेस पे ये वाला फाउंडेशन लगाया है। मैंने अपने फाउंडेशन को अभी तक सेट नहीं किया है। ठीक है, मेरा जो फाउंडेशन है उसको मैंने किसी पाउडर से सेट नहीं किया है, जस्ट मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके उसको सेट किया है। आई हैव नॉट यूज्ड एनी पाउडर टिल नाउ। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि हाईलाइट एंड कॉन्टोर कैसे करते हैं। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो लिक्विड कंसीलर प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्टोर करके दिखाती हूँ, देन आई विल शो यू हाउ टू हाईलाइट। ठीक है, कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है LA Girl Pro Conceal का कंसीलर, विच इज़ ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज। ठीक है, जो प्लेसेस होते हैं कॉन्टोरिंग के वहाँ पे मैं कॉन्टोर करूँगी। सबसे पहले मैं अपने चीक बोन से स्टार्ट कर रही हूँ, चीक बोन्स के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे कॉन्टोर प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए कि कहाँ से कहाँ प्रोडक्ट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अपने ईयर्स के टिप से। ठीक है, जो आपके ईयर्स के टिप होते हैं यहाँ से आपको स्टार्ट करना है एंड आपको थोड़ा सा आगे आना है एंड जो आपकी आईज़ जहाँ पे, अगर आप अपनी आईज़ से एक लाइन बनाओ, ठीक है, तो आईज़ जहाँ पे, सो ये लाइन जहाँ पे है उसके अंदर आपका कॉन्टोर होगा। ठीक है, अगर ये हमारी लाइन है तो इसके अंदर आपका कॉन्टोर होगा, इसके बाहर आपका कॉन्टोर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ईयर्स के टिप से स्टार्ट करना है एंड यहाँ तक आपको कॉन्टोर प्रोडक्ट अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर अप्लाई कर लिया कॉन्टोर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी जॉ लाइन शार्प नहीं है तो अपनी जॉ लाइन के साथ साथ लगा सकते हो। ठीक है,
एंड अगर आपका फोरहेड काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो वहाँ पे आप कॉन्टर प्रोडक्ट लगा सकते हो। अगर आपका फोरहेड काफ़ी छोटा है, अगर आपका फोरहेड काफ़ी छोटा है तो वहाँ पे आप कॉन्टर प्रोडक्ट अवॉइड कर सकते हो। मेरे में बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड सेम चीज़ आपको अदर साइड ऑफ द फेस भी करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टोर प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया है एंड यूजिंग एन एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ पीछे की तरफ, मतलब कि हेयर लाइन में, ठीक है? आप चाहो तो इसकी जगह ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो स्पेशली डिजाइंड है फॉर लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो इस टाइप की सिमिलर ब्रश की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मेक श्योर करिएगा कि आप वो चेक कर लीजिए, ठीक है? इसको पीछे की तरफ आपको ब्लेंड करना है ना, आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके भी उसको डैब डैब कर सकते हो, ठीक है? सेम चीज़ आपको करनी है पूरे फेस पे। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ना करो जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट आपका हट जाए। आपको थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है एंड देन यू हैव टू जस्ट डैब टू मेक द प्रोडक्ट सेट, ठीक है? तो इस टाइप से आपको करनी है। नोज़ के लिए आप अलग से कॉन्टोरिंग करो, आप सेम बड़े ब्रश से मत करो, जस्ट फर्स्टली अप्लाई द प्रोडक्ट, ठीक है? आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो और इससे आपका जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है? तो प्रोडक्ट अप्लाई किया है मेरा स्ट्रेट लाइन एंड फिंगर्स की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि नोज़ का एरिया जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो अगर आप बहुत बड़ा ब्रश यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्ट फैल जाएगा। तो इट्स बेटर टू यूज़ सो इट्स बेटर टू यूज़ योर फिंगर्स, तो फिंगर्स की हेल्प से आप आराम से इसे ब्लेंड कर लो, ठीक है? तो लिक्विड कॉन्टोर हमने अप्लाई कर लिया है एंड उसे सेट कर दिया है। आफ्टर दैट मैं हाईलाइट अप्लाई करके दिखाती हूँ कि हाईलाइट कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है? पहले मैं जो हाईलाइट अप्लाई कर रही हूँ, जो हाईलाइट प्रोडक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शुगर मैजिक वैन। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है चॉको चीनो, ठीक है? 12 नंबर है चॉको चीनो, वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। पहले मैं अपना सेंटर पहले जो मेरे फेस का सेंटर है वहाँ पर हाईलाइट करूँगी, क्योंकि जो पूरा क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, तो मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके बाद में ब्लेंड नहीं करना चाहती। सबसे पहले मैं सेंटर पे मैंने अप्लाई किया है ये प्रोडक्ट एंड पहले मैं इसको ब्लेंड करूँगी, बाद में मैं अंडर आइज़ अप्लाई करूँगी, ठीक है? तो इसको मैंने अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड में लगाया है, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाया है, अपने लिप्स के ऊपर लगाया है एंड सेंटर ऑफ द चिन लगाया है, ठीक है? आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर और अ ब्रश, आप इसे आराम से ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है? जिस पोजीशन पे आपने प्रोडक्ट लगाया है आपको उसी पोजीशन पे ब्लेंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। स्पेशली आपको कॉन्टोर और हाईलाइट को मिक्स नहीं करना है, जिस जगह पे आपने कॉन्टोर लगाया है आपको उसी जगह पे उसकी ब्लेंडिंग करनी है, जिस जगह पे आपने हाईलाइट लगाया है आपको उसी पोजीशन पे हाईलाइट की ब्लेंडिंग करनी है, ओके? इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अपने अंडर आइज अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैंने इनर वीज पे सबसे पहले जो इनर कॉर्नर होता है वहाँ पे लगाया है हाईलाइट, आउटर कॉर्नर पे लगाया है एंड देन थोड़ा सा सेंटर में लगाया है ताकि आईज़ जो हैं वो ज़्यादा धसी हुई ना दिखे बीच में से, ठीक है? तो इसको भी आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके ब्लेंड करिए, जस्ट टेक सम टाइम, 2 मिनट का टाइम लीजिए एंड आराम से ब्लेंड करिए, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दैट मेकअप इज़ एन आर्ट एंड आपको आर्ट को इन्जॉय करना होता है, तो इस प्रोसेस को भी आप इन्जॉय करिए, धीरे धीरे करिए, आपको डेफिनेटली आ जाएगा बहुत ईजीली, ठीक है? तो आराम से इसे भी आपको ब्लेंड करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत ही अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स के लिंक डाल दूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, जो प्रोफेशनल हैं एंड इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो मेक श्योर करिएगा आप चेक करो, आप ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा यूज़ करो, क्योंकि मेकअप में ब्यूटी ब्लेंडर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई वॉन्ट कि आप कहीं भी चूको ना, कहीं भी आप गलती ना करो जिसकी वजह से आपका मेकअप खराब हो, ठीक है? तो जिस पॉइंट पे आपने हाईलाइट किया है उसी पॉइंट पे आपको डैप डैप करके ब्लेंड करना है एंड आराम से आपका हाईलाइट जो है वो सेट हो जाएगा। नाउ हमने हाईलाइट अप्लाई कर लिया है एंड कॉन्टूर अप्लाई कर लिया है, दोनों जो प्रोडक्ट्स हमने अप्लाई किए हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, ठीक है? तो सभी सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हो या क्रीम फॉर्म में अप्लाई करते हो उसको सेट करने के लिए आपको पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करने होते हैं। कॉन्टोर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम पोज HD का कॉन्टोर पाउडर, ठीक है? इसको आप उसी पोजीशन पे अप्लाई करोगे जहाँ पे आपने लिक्विड कॉन्टोर को अप्लाई करके ब्लेंड किया है, ठीक है? उसके अलावा आप कहीं भी नहीं अप्लाई करोगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको यूज़ करना है एक फ्लफ़ी एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश, ठीक है? और इस टाइप से आपको अप्लाई करना है, ठीक है? तो जो प्रोडक्ट आप लगाते हो उसको सेट करने के लिए उसी कलर का प्रोडक्ट आप उठाते हो, ठीक है? समझ रहे हो आप मेरी बात?
जो प्रोडक्ट आपने लगाया है, अगर मैंने डार्क ब्राउन कलर का कॉन्टोर लिक्विड लगाया है तो मैं उसको सेट करने के लिए एक पाउडर कॉन्टोर यूज़ करूँगी जो कि डार्क ब्राउन कलर का ही होगा, ठीक है। सो जो भी प्रोडक्ट आप लगाते हो उसको सेट करने के लिए उसी कलर का प्रोडक्ट यूज़ करते हो। कॉन्टोर लगाया था और उसको सेट किया मैंने पाउडर कॉन्टोर से। जब भी आप कोई लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट लगाते हो अपने फेस पे तो उसको आपको सेट करना होता है यूजिंग अ पाउडर प्रोडक्ट। सिमिलरली जो हमने हाईलाइट किया है उसको भी हम सेट करेंगे। उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेवलिन का लूज पाउडर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कॉम्पैक्ट बताइए, कॉम्पैक्ट बताइए मेकअप को सेट करने के लिए, बट यूजली गाइज इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। मैं कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करती हूँ मेकअप को सेट करने के लिए कभी भी। सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट लूज पाउडर ही यूज़ करते हैं, तो आप भी लूज पाउडर यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स दिखेंगे एंड आपका मेकअप ज़्यादा अच्छे से सेट होगा, ठीक है। तो हाईलाइट को और फेस को, फेस के जितने भी पॉइंट्स मेरे बचे रह गए जहाँ पे मैंने कॉन्टोर नहीं किया है, उन सभी पॉइंट को सेट करने का टाइम अब आया है। सो अब इसको अच्छे से सेट करना है, ठीक है। तो आपको पाउडर लेना है ना, आपके फेस के जो भी पॉइंट्स हैं जो बचे रह गए जहाँ पे आपने कॉन्टोर पाउडर नहीं अप्लाई किया है, वहाँ पे आपको सेट करना है अपने फेस को यूजिंग अ मेबलिन लूज पाउडर, ठीक है। शेड आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अगर आप फेयर हो तो फेयर वाला शेड लो, अगर आप मीडियम हो तो आप मीडियम वाला शेड लो। इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है प्रोफेशनल मेकअप क्लास में, तो आप वो वाली वीडियो, पाउडर वाली वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स हैं आप उसको सेट करना है, उसके लिए आप चाहो तो ब्रश यूज़ कर सकते हो या फिर अपने स्पंज से ही बहुत ही ईजी सेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं उठाना है आपको एक बार में, थोड़ा थोड़ा पाउडर उठाना है, एक एक पॉइंट पर अप्लाई करना है। देन आपको चाहो तो उसको छोड़ सकते हो एंड बाद में ब्रश की हेल्प से आप उसको रिमूव कर सकते हो। इस टाइप से आपको करना है हाईलाइट एंड कॉन्टोर, बहुत ही इजी प्रोसेस है गाइस। लेट मी टेल यू कि क्या इफेक्ट होता है पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने का और क्या इफेक्ट होता है लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करने का, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको करके दिखाया उसमें मैंने लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ किए, ठीक है। तो जब आप लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो उसको सेट करने के लिए आपको पाउडर प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए ना। अगर आप इतना हैवी मेकअप नहीं करना चाहते हो तो आराम से आप सिर्फ और सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको लिक्विड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो माई ग्लैम का पोज HD ब्रॉन्जर मैंने दिखाया आपको, आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकते हो एंड आपको क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे अभी एक चार्ट बना के दिखाती हूँ कि क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करने का क्या फ़ायदा है एंड पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब हम लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारा जो कॉन्टोर होता है या हाईलाइट होता है वो ज़्यादा लॉन्ग स्टे होता है और थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। तो जब भी आपको हैवी मेकअप करना हो, आपको नाइट पार्टी मेकअप करना हो या आपको ब्राइडल मेकअप करना हो, आपको नाइट रिसेप्शन मेकअप करना हो या आपको नाइट टाइम संगीत मेकअप करना हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए जाएँ, लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट्स चूज़ करें हाईलाइट एंड कॉन्टोर करने के लिए। और अगर आपको डे टाइम में बाहर जाना है, आपको बहुत लाइट वेट मेकअप चाहिए, आपको बहुत देर तक अपने मेकअप को स्टे नहीं कराना है, आपको सिर्फ 2-3 घंटे या 4 घंटे के लिए अपना मेकअप अप्लाई करना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि यू गो फॉर पाउडर प्रोडक्ट्स, ठीक है। पाउडर प्रोडक्ट्स लाइट वेट होते हैं, आपका मेकअप बहुत हैवी नहीं दिखता है, ठीक है। जो लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा शाइनी लुक देते हैं, कुछ टाइम बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना लिक्विड क्रीम वाले, वो उसमें से ऑयल निकलने लगता है एंड फेस थोड़ा सा शाइनी हो जाता है, तो थोड़ा सा ड्यूई लुक आता है। बट जो पाउडर प्रोडक्ट्स जब आप यूज़ करोगे तो जो आपका लुक रहेगा वो ऑल टाइम मैट रहेगा विदाउट एनी शाइन। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड्स, ठीक है, कि आप कौन कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट ले सकते हो। तो अगर हाईलाइट की बात की जाए तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लेना है, ठीक है। आपको मीडियम कवरेज का प्रोडक्ट चाहिए या फुल कवरेज का प्रोडक्ट चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हो, लाइट वेट मेकअप कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ मीडियम कवरेज प्रोडक्ट, जिसके लिए आप चूज़ कर सकते हो मेबलिन फिटमी का कंसीलर, जो भी आपका शेड आता है वो आप चूज़ कर सकते हो एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी जो कवरेज है वो मीडियम है, ठीक है, फुल कवरेज नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगी। अगर आपके फेस में काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये ना लो, लेकिन अगर आपके फेस काफ़ी इवन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है आपके फेस में, तो आप ये वाला कंसीलर ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर फुल कवरेज की बात कीजिए, अगर आप एक हैवी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल कर रहे हो या आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए, आपको ज़्यादा फेयर दिखना है या लाइट दिखना है, तो आप उसके लिए मेबलिन का ही आता है एज रिवाइंड कंसीलर, आप वो ले सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा शुगर का आता है मैजिक वैंड कंसीलर, आप वो ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं, क्रीजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, मेकअप को बहुत ही अच्छे से सेट रखते हैं और बहुत लॉन्ग स्टे हैं, तो आप ये दोनों ले सकते हो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़े एक्सपेंसिव साइड में जाते हैं तो आप टार्ट का कंसीलर ले सकते हो, टार्ट का शेप टेप कंसीलर, जो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को आपने देखा होगा यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ब्राइडल मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर हैवी नाइट पार्टी मेकअप के लिए, रिसेप्शन मेकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हो टार्ट का शेप टेप कंसीलर, सो आप ये भी ले सकते हो हाईलाइट का। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ वेरी गुड ब्रांड एंड अ वेरी चीपर ब्रांड विच इज़ स्विस ब्यूटी, ठीक है। स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर मार्केट में आया है उसने बहुत ही ज़्यादा धूम मचाई है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप एक बजट फ्रेंडली 200-300 में एक बहुत ही अच्छा कंसीलर खरीदना चाहते हो, या फिर अगर आप एक बिगनर हो और आप सीखना चाहते हो मेकअप, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू गो फॉर द स्विस ब्यूटी कंसीलर। जो भी प्रोडक्ट्स मैं बोल रही हूँ उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नायका से आप बहुत ही ईजिली खरीद सकते हो, तो आप स्विस ब्यूटी का भी कंसीलर ले सकते हो। अगर लिक्विड और क्रीम कॉन्टोर्स की बात की जाए तो आप एले गर्ल का कंसीलर ले सकते हो, जो कि डार्क कलर का हो, जो कि आपके स्किन से दो से तीन शेड डार्कर हो, वो आप यूज़ कर सकते हो कॉन्टोरिंग करने के लिए। NYX का पैलेट आता है, NYX का पैलेट आता है, जिसमें हाईलाइट एंड कॉन्टोर दोनों के क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप उससे हाईलाइट एंड कॉन्टोर कर सकते हो। फेंटी ब्यूटी, अगर एक्सपेंसिव साइड में जाए तो फेंटी ब्यूटी का आता है आपका कॉन्टोर स्टिक, आप वो यूज़ कर सकते हो अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत से इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं फेंटी ब्यूटी। जो ब्रांड है वो रिहाना का ब्रांड है, तो बहुत से इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा। इसके अलावा एक पैलेट आता है NYX का, छोटा सा कंसीलर पैलेट आता है 6 पीस का, उसमें भी आपको कॉन्टोर शीट्स और हाईलाइट शीट्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्टोर को सेट करने के लिए अगर आप लिक्विड कॉन्टोर यूज़ कर रहे हो तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको पाउडर कॉन्टोर्स भी चाहिए होंगे लिक्विड कॉन्टोर्स को सेट करने के लिए, उसके अलावा अगर आप सिर्फ पाउडर लगाना चाहते हो तो वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो पाउडर कॉन्टोर इज़ अ मस्ट इन योर किट, एंड पाउडर कॉन्टोर के लिए आप ले सकते हो माई ग्लैम का पोज HD ब्रॉन्जर ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा पाउडर कॉन्टोर है, ठीक है। बहुत ही अच्छे शेड्स हैं ना, सभी स्किन टोन्स पे आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजली। नेक्स्ट आप ले सकते हो वेट एंड वाइल्ड का पाउडर कॉन्टोर पाउडर, उसमें दो शेड्स आते हैं, एक हाईलाइट के लिए, एक कॉम्पैक्ट जैसा होता है, और एक कॉन्टोर पाउडर होता है, तो आप वो भी ले सकते हो अपने कॉन्टोर को सेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा शुगर की स्टिक्स आती हैं कॉन्टोर स्टिक्स, आप वो यूज़ कर सकते हो अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। जो भी आप हाईलाइट या जो भी आप क्रीम हाईलाइट या लिक्विड हाईलाइट करते हो अपने फेस को सेट करने के लिए, आप लूज़ पाउडर ले सकते हो, ठीक है। तो लूज़ पाउडर अपने स्किन कलर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप मेबेलिन का लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप शुगर का लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप ट्रायलॉन का लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके स्किन शेड के अकॉर्डिंग जाता है, आप वो लूज़ पाउडर खरीद के अपने लिक्विड या क्रीम हाईलाइट को सेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लिक्विड क्रीम हाईलाइट या कॉन्टोर नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली वो पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हो अपनी ही प्लेसेस पे जहाँ पे आपने लिक्विड क्रीम एंड लिक्विड हाईलाइटिंग की थी। आपको शेड्स नहीं समझ में आ रहे हैं लूज पाउडर का कि आप कौन सा लो, तो आप एक बनाना पाउडर ले सकते हो जो सभी स्किन टोन्स पे चला जाता है। हर एक ब्रांड में एक बनाना पाउडर आता है, मेकअप रिवॉल्यूशन का आता है, फॉरएवर 52 का आता है, क्रायलॉन का आता है, तो आप कोई भी बनाना पाउडर ले सकते हो जो थोड़ा सा येलो टाइप का दिखता है, एंड वो आप किसी भी स्किन कलर पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कन्फ्यूज हो कि आपको कौन सा लूज पाउडर लेना है अपने मेकअप को सेट करने के लिए, तो आप एक बनाना पाउडर ले लीजिए। कम्प्लीटली कूल अंडरटोन के हो तो आप बनाना पाउडर अवॉइड करना, बट अगर आपका अंडरटोन वार्म है या फिर अगर आपका अंडरटोन न्यूट्रल है तो आप आराम से बनाना पाउडर खरीद सकते हो और अपने सभी मेकअप्स को सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हाईलाइट एंड कॉन्टोर के बारे में। नाउ लेट्स मेक अ चार्ट एंड रिवाइज एवरीथिंग फाइनली, उसके बाद मैं लास्टली आपको बताऊँगी कुछ कॉमन शेड्स। ठीक है, कॉमन शेड्स की अगर हम बात करें तो आप एले गर्ल में ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज ले सकते हो अपने या किसी भी क्लाइंट को कॉन्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर आप एले गर्ल का ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज लेते हो तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी स्किन कलर के क्लाइंट को या अपने ऊपर अपने फेस को लिक्विड कॉन्टोर करने के लिए। ठीक है, ये सभी स्किन पर बहुत ही ईजिली चला जाता है। कॉन्टोर स्टिक जो होती है आप थोड़ा सा डार्क लो एंड वो सभी स्किन कलर्स पे चला जाता है। तो कॉन्टोर के लिए आपको अलग अलग शेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लो एंड यू कैन यूज़ इट ईजली। ठीक है, हाईलाइट की अगर बात की जाए तो हाईलाइट में आई वुड सजेस्ट यू जस्ट वन शेड, जो कि मेबेलिन का आता है न्यूट्रलाइज़र, जो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ा सा फेयर हो जाता है डार्क स्किन के लोगों के लिए। तो हाईलाइट के लिए तो आपको ध्यान देना होगा,
आप एक से दो शेड फेयर जा सकते हो, ठीक है, बट आपको वो चीज़ तभी देखनी होगी। आप कोई पर्टिकुलर शेड नहीं यूज़ कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। कॉन्टोर करने के लिए आप एले गर्ल का ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज ले सकते हो। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई टोल्ड यू वेरी डीपली अबाउट हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा मेकअप अच्छा लग रहा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आई वुड लव टू रिप्लाई देम ऑल। स्टिल इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी फैमिली जो हो वो ग्रो करे एंड मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल होती है आपके लिए मेरी प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।